वेलकम बैक स्टूडेंट्स. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. फोर पार्ट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं. पहला पार्ट जो है पेयर ऑफ किडनी इन द बैक ऑन द बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बोथ द किडनी दैट प्रोड्यूसेस यूरेटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. ये दीज टू ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर. बोथ द यूरेटर दैट ज्वाइंट विद द सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर. और लास्ट ऑर्गन जो रहेगा सिंगल यूरेथ्रा इज प्रेजेंट. साइज ऑफ द यूरेथ्रा दैट इज डिफरेंट इन मेल एंड द फीमेल. मेल के अंदर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और फीमेल के अंदर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है. अभी हमारा जो लेक्चर है हमें यहाँ पर देखना हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी और दैट में बी कॉल्ड एज VS ऑफ किडनी. हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. व्हाट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन किडनी. किडनी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट है. व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द किडनी आर प्रेजेंट. तो ये टिश्यू लेवल के ऊपर जो भी स्टडी करना स्टडी ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. और या इसी को कहा जाएगा वर्टिकल सेक्शन या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी. अगर ये किडनी हमारे सामने है तो इसका वर्टिकल सेक्शन या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेने के बाद एक एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पर जो आता है उसी चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये तो किडनी का यहाँ पर डायग्राम हमारे सामने है. हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर मौजूद है. किडनी यहाँ पर जो हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है किडनी के अतराफ में यहाँ पर जो है कवरिंग यहाँ पर पाई जाती है. तो वही चीज़ है किडनी दैट आर कवर्ड बाय 3 लेयर. 3 पर्टिकुलर लेयर्स आर प्रेजेंट. और ये 3 लेयर के अंदर फिर किडनी जो है यहाँ पर हाईली प्रोटेक्टेड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है. बिकॉज किडनी इज़ वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है. अब ये 3 लेयर जो यहाँ पर पाई जाती हैं आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज रेनल फेसिया विच इज़ मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. ये जो लेयर कैप्सूल है इसके बाहर जो लेयर यहाँ पर 3 लेयर पाई जाएगी उसके अंदर सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसका नाम है रेनल फेसिया एंड दैट इज मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यहाँ पर किडनी दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक लोकेशन. एक सही लोकेशन के ऊपर यहाँ पर हमारा किडनी जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है. मिडल लेयर यहाँ पर जो पाई जाती है वो फैटी लेयर है और फैटी लेयर दीज आर मेड बाय एडिपोज टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट होने की वजह से यहाँ पर जो रहेगा ये शॉक एब्सॉर्बर के तौर पर जो है यहाँ पर यूज होते हैं. इस तरीके से यहाँ पर जो है अपनी एक जगह फिक्स बनाकर अगर कोई शॉक भी लगता है तो उसको जो है यहाँ पर टॉलरेट करने की एबिलिटी पाई जाती है. सबसे इनर मोस्ट लेयर यहाँ पर जो होती है स्मूथ नेचर में होती है और उसके अलावा दैट आर फाइब्रस इन देयर नेचर ऑल्सो. इसके बाद ये 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग के बाद जब यहाँ पर किडनी की शुरुआत होती है तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी दैट इज कॉल्ड एज रेनल कैप्सूल. जो यहाँ पर किडनी की आउटलाइन जो यहाँ पर पाई जाती है जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको कहा जाएगा यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज रेनल कैप्सूल. जब हम यहाँ पर किडनी का वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो किडनी दैट आर क्लियरली शोइंग 2 डिफरेंट पार्ट्स. आउटर पार्ट यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है रेनल कैप्सूल के अलावा आउटर पार्ट यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है ये जो किनारे का हिस्सा यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है आउटर पार्ट इसको कॉर्टेक्स कहेंगे. और मिडल पार्ट ये जो अंदर का हिस्सा यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसको कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज मेड्यूला. उसको जो यहाँ पर मेड्यूला कहा जाएगा. अब मेड्यूला के अंदर हाईली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट. आप यहां पर फिगर के अंदर देख रहे हो जितना भी ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बताया गया है ये सब के सब जो यहां पर मेडुला के अंदर यहां पर जो है प्रेजेंट होते हैं एट सर्टन इंटरवल्स. ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट यहां पर मेडुला के अंदर एट सर्टन इंटरवल्स. पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. दीज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड एज रेनल पिरामिड. ब्लड जो यहां पर किडनी के अंदर आएगा उसका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जो रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इसी के अंदर यहां पर जो रेनल पिरामिड के अंदर होते हैं. और उसके बाद जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर पिरामिड का जो टिप होता है यहां पर ये जो टिप रहेगा स्मॉल पोर इज प्रेजेंट. ये जो पोर यहां पर प्रेजेंट रहेगा दीज आर कॉल्ड एज रेनल पैपेला. इसको जो यहां पर कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज रेनल पैपेला. वो यहां पर जो है प्रेजेंट रहेगा. इसी के जरिए से यूरिन यहां पर जो है जमा होता है. नंबर ऑफ रेनल पिरामिड कम से कम यहां पर 6 रहेगा और मैक्सिमम यहां पर जो है 20 रहेगा. द नंबर
of renal pyramid that is in between 6 to 20 in their number. अब दो renal pyramid के दरमियान में उनके बीच में यहाँ पर जो है gap पाया जाएगा जिसके अंदर cortex का part that elaborated और यहाँ पर जो medulla तक यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये जो cortex का extended part है which can separate टू रेनल पिरामिड, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी. कॉलम ऑफ बर्टिनी कॉर्टेक्स का रीजन यहाँ पर मेडुला तक पहुँच जाता है जिसकी वजह से दो रेनल पिरामिड जो रहेंगे वो सेपरेट होते हैं. और रेनल पिरामिड के अंदर यहाँ पर रेनल टिब्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जिसके जरिए से यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के बाद यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और वो यूरिन ड्रॉप वाइज यहाँ पर जो है रेनल पैपिला के जरिए बाहर निकलते हैं. जब ये यूरिन यहाँ पर प्राइमरी यूरिन जो रहेगा जब यहाँ पर बाहर निकलेगा तो रेनल पैपिला के बाहर एक स्मॉल कैविटी यहाँ पर हर जगह पर पाई जाएगी. दिस स्मॉल कैविटी दैट इज कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स. तो यहाँ पर जो है यूरिन जो रहेगा वो माइनर कैलिक्स के अंदर जमा होगा. अब हर माइनर कैलिक्स के अंदर जब यहाँ पर यूरिन जमा होता रहेगा फिर धीरे धीरे वो स्लिप होकर यहाँ पर आगे आएगा. बड़ी कैविटी यहाँ पर मेजर कैविटी लार्जर कैविटी यहाँ पर पाई जाती है और ये जो बहुत सारे माइनर कैलिक्स आपस में मिलने के बाद दैट फॉर्म अ मेजर कैविटी एंड दैट मेजर कैविटी दैट मस्ट बी कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स कहा जाएगा. बहुत सारे मेजर कैविटी आपस में मिलेंगे और इस तरीके से एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है. वो यूरिन यहाँ से बहते हुए यहाँ पर आएगा तो ये जो फनल शेप्ड कैविटी यहाँ पर जो मेजर कैविटी पाई जाती है उसको कहा जाता है यहाँ पर दैट मस्ट बी कॉल्ड एज पेल्विस कहा जाएगा. इस तरीके से ब्लड जब आएगा नॉच के जरिए हाइलस के जरिए अंदर जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर होगा, रेनल टिब्यूल यहाँ पर जो रहेंगे वो रेनल पैपिला के अंदर पाए जाएंगे, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन रहेगा रेनल पैपिला के जरिए रेनल पिरामिड के अंदर फिल्ट्रेशन होगा और उसके बाद रेनल पैपिला के जरिए यूरिन बाहर निकलेगा. सबसे पहला यूरिन का ड्रॉप जो आएगा वो माइनर कैलिक्स के अंदर, फिर उसके बाद बहुत सारे माइनर कैलिक्स आपस में मिलने के बाद मेजर कैलिक्स के अंदर यूरिन आएगा. बहुत सारे मेजर कैलिक्स के अंदर यूरिन जमा होते होते एक मेजर फनल शेप्ड कैविटी यहां पर रहेगी, उसके अंदर यूरिन आएगा और उसके बाद यहां से यूरिन बहते हुए यहां पर आएगा दैट कम्स आउटसाइड द किडनी, किडनी के बाहर आएगा. अब पेलिस के बाद ये जो पार्ट यहां पर रहेगा यहां से यूरिन आगे बढ़ेगा और ये जो पार्ट रहेगा यूरेटर रहेगा, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है तकरीबन 30 सेंटीमीटर लॉन्ग यहां पर हो सकता है. तो ये हमारे सामने यहां पर हो जाता है हिस्टोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं वीएस ऑफ किडनी के नाम से भी इसको जो है यहाँ पर पहचाना जा सकता है. तो ये आपके सामने है, ये पूरा जो आपको भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर एक एक पार्ट को आपको यहाँ पर देखना है. कोई डिफिकल्टी रहे तो इसको आपको पूछना है. तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.